और अब बढ़ते आगे और बात करते हैं सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया टाटा समूह के नियंत्रण में जाएगा। एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया में टाटा समूह ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर जो बीड है वो जीत लिया है। एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया में टाटा समूह ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर बीड जीत लिया है। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। ये दूसरा मौका है जब सरकार एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही है। इससे पहले साल 2018 में सरकार ने कंपनी में 76% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई रिस्पांस इस पूरे मामले पर नहीं मिला था। तो टाटा ग्रुप के नियंत्रण में अब एयर इंडिया टाटा समूह के नियंत्रण में जाएगा एयर इंडिया, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। टाटा ग्रुप ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर बिड जीती है। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अमर का, हमारे साथ इस समय दिल्ली से लाइव जुड़े हुए, उनसे तमाम जानकारी हम लेते हैं। अमर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, एयरलाइन एयर इंडिया टाटा समूह के नियंत्रण में जाएगा, पूरी जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए एयर इंडिया एयर टाटा सन्स जो कंपनी है उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा बोली लगा करके खरीदा। ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बोली लगाने के मतलब ये है कि 3000 करोड़ रुपया जो है बोली लगाए गए थे उससे ज्यादा थी। इसके उस अगर दो कंपनियों की अगर आप बात करें तो स्पाइस जेट ने भी बोली लगाई थी, लेकिन उससे स्पाइस जेट से बोली इनका जो है 5000 करोड़ का ज्यादा था। अगर आप ये देखें कि पहले भी टाटा एयरलाइंस के टाटा ग्रुप के पास ही ये एयर इंडिया एयरलाइंस जो था उन्होंने ही स्टार्ट किया था 1932 में। उसके बाद धीरे धीरे कर करके जो है इसे भारत सरकार ने इसका शेयर खरीदने के बाद जो है इसको पूरा सरकारीकरण कर दिया गया। आज जो स्थिति है उसको अगर आप देखें 2019 की अगर आप बात करें तो इंडियन एयरलाइंस के ऊपर जो कर्ज था वो 60,064 करोड़ रुपया था। और उसके बाद अगर तिमाही की अगर बात करें तो 2021 की तिमाही की बात करें तो 10,000 करोड़ जो है उस पर आ गया था। तो ये सरकार के लिए एक बोझ बनता हुआ जा रहा था, जिस वजह से अगर आप देखें सही समय पे कर्मचारियों को सैलरी ना दे पाना या फिर इसको ढोना एक मुसीबत था। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है एयर इंडिया को जो है इसका शेयर बेच दिया जाए और एक किसी प्राइवेट प्लेयर को इसमें शामिल किया जाए ताकि इसको सही सुचारू रूप से चलाया जाए। जो कमोबेश ये कहा जा रहा है कि सरकार की जो बोली थी और टाटा सन्स ने जो बोली लगाई थी वो यह था 15 सितंबर को उन्होंने लगाया था और सभी कंपनियों के से ज्यादा उन्होंने बोली लगाया था, 3000 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा थी। इस वजह से ये नाम जो है जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो टाटा सन्स कंपनी के नाम से गया है। तो अब ये माना जाए एयर इंडिया जो है अब टाटा सन्स कंपनी के अंदर होगा, उसका सारा देखभाल काम और जो भी संचालन होगा वो टाटा कंपनी करेगी। अब देखना ये होगा कि जो भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, जो कर्ज है 60,064 करोड़ का जो कर्ज था, 74 करोड़ का जो कर्ज था उसमें भारत सरकार ने ये कहा है कि जो कंपनी खरीदेगी उसको 23,286 करोड़ रुपया जो है वो देना पड़ेगा इमिडिएटली जो बोली है उसके अलावा। अब सरकार उसके बाद जो है जो और जो कर्ज है उसको मैनेज सरकार करेगी। अब देखना ये होगा कि जब ये हैंड ओवर किया जाएगा, क्योंकि अभी इस प्रोसेस में थोड़ी दिक्कतें होगी क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है सरकारी काम करने के लिए। जब प्रोसेस पूर्ण रूप से हैंड ओवर किया जाएगा टाटा कंपनी को तो टाटा कंपनी जो है इसको किस तरह से चलाती है, क्योंकि ये एक बड़ा सफेद हाथी कहा जाता था कि सरकारी तंत्र का सफेद हाथी है, इसे चलाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन टाटा अपने काम के लिए अपने बिजनेस के लिए जाने जाती है। बिल्कुल, टाटा अगर काम और बिजनेस के लिए जाना जाता है तो टाटा के ऊपर काफी पुरानी कंपनी है अमर, और ये जी बिल्कुल, और ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि जब टाटा ने हैंड ओवर कर लिया है एयर इंडिया का तो निश्चित तौर पर जो घाटा था वो घाटा घटेगा और फिर इस फील्ड में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट टाटा कंपनी लेकर आएगी इस एयर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमर। 68 साल के बाद फिर से आपको बता दे बीट जो है वो टाटा ने जीती है, टाटा ग्रुप के नियंत्रण में अब एयर इंडिया रहेगा। एयर इंडिया की शुरुआत साल 1932 में टाटा समूह की जीआरडी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। टाटा समूह के नियंत्रण में अब एयर इंडिया सबसे ज्यादा बोली